वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इन टू डिफरेंट पीरियड, हम डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करने, हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? वी डू सो, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इट इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, उस टाइम पे कैसे था सोसाइटी, सब चीज़ें कैसी थी, उन चीज़ों को पकड़ सके, इसलिए हम पीरियड पता करते हैं क्योंकि उसमें कुछ एक चेंजेस आते हैं। मतलब हिस्ट्री को हम पीरियड्स में डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं? पहला एंशियंट है, मीडिवल, फिर मॉडर्न है, क्योंकि उसमें जो एंशियंट में है और मीडिवल में है वो चेंजेस हैं, तो हमें उनके टाइम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, तो एक डिफरेंस समझ में आता है, इसलिए हम करते हैं कि ये इस टाइप की अलग चीज़ें हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हैं, मीडिवल में ये है और मॉडर्न में ये है। इट डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स, अलग अलग मतलब जो हम डिवाइड करके इसलिए पढ़ते हैं कि अलग अलग पीरियड में किस तरह के डिफरेंसेस थे, तो हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं कि पहले वाले हिस्ट्री में ये था, पहले ऐसा था, उसके बाद में ऐसा था और अब ऐसा है, तो ये डिफरेंसेस हम पीरियड डिवाइड कर देते हैं तो हमें डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है। जैसे कि जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और उन्होंने एक बुक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडिया के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड में, पहले हिंदुओं का राज, फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि समझ में आ रहा है कि इन तीनों में डिफरेंसेस हैं, मतलब पहले हिंदुओं का राज था, फिर मुस्लिम का राज आया, फिर ब्रिटिश का राज आया, तो इससे पता लगता है कि उस पीरियड में क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो डिवाइड करके एक फ़ायदा होता है कि वो क्लियर कट समझ आता है। इंडियन हिस्ट्री डिवाइड होकर ये एंशियंट और मीडिवल एंड मॉडर्न में है, जो प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो एंशियंट मतलब पुराने वाला, और मीडिवल में जैसे मुगलों का राज था, मॉडर्न में जो अभी का है और ब्रिटिश वाला है वो सब था। तो जो हमने पीरियड अगर डिवाइड करें तो हमें एक डिफरेंस समझ में आता है कि इस पीरियड में ये था, जैसे कि एंशियंट में है बुद्धिज्म, जैनिज्म ये थे, मीडिवल में जो बाबर अकबर इन सब का राज था, दिल्ली में सल्तनत में चली हैं सब, मॉडर्न में ब्रिटिशर्स आए, तो हर एक का जो पीरियड है अलग अलग टाइप का, हर वो डिफरेंस उनमें समझ में आता है। इट इज़ द पीरियडाइजेशन दैट इज, ये कहाँ से लिया गया, बोरो किया गया फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। हमने ये जो डिवीजन का फार्मूला कहाँ से लिया, हमने लिया वेस्ट से, जो फोकस करते थे मॉडर्न पीरियड, उनका होता था कि उनकी ग्रोथ से रिलेटेड था मॉडर्न पीरियड। मॉडर्निटी का मतलब ये कि साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं मॉडर्न में, तो सब कुछ अच्छा ही होने की कोशिश की जा रही है। पहले चीज़ें जो ख़राब थी, जो चीज़ें ठीक नहीं थी, सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उन्हें ख़त्म करते करते अब जो सोसाइटी बन रही है वो डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, रीजनिंग उठ रही है और इक्वलिटी का स्टेटस आ रहा है। पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एक पीरियड है जो पहले नहीं करता, तो उस हिस्ट्री का पीरियड अलग होगा, अब वो जो चेंजेस आ रहे हैं उस हिस्ट्री का पीरियड अलग होगा। तो पीरियडाइजेशन का फ़ायदा ये है कि हमें समझ में आता है कि डिफरेंस पहले क्या था और अब क्या है।